हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी बजे हैं 12 बजने वाले हैं, 12 बजने में भी 10 मिनट है। तो आज है 10 जून। तो अभी मैंने अपने पहले ब्लॉग की, जो आपसे पहले वाले ब्लॉग था उसकी मैंने एंडिंग की, और मैंने सोचा चलो दूसरा ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ अपना। तो बस अभी आज गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अभी बस साफ़ सफाई रह गई। अभी सारे काम ऐसे बने, किचन साफ़ हुई है और इधर लगा रखी है मैंने मशीन। और सही में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे लगता है दिल्ली की सब सर्दी बोलते हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, पर नहीं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा ही पड़ती है दिल्ली में। सही में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। मतलब कई दिन हो गए मुझे सोचते सोचते मशीन लगाने के लिए, पर मेरी बालकनी में इतनी तेज़ धूप आती है ये मन नहीं करता। अब 12 बजने वाले हैं, अब जाके बालकनी से मेरी धूप भीगे, तो मैंने सोचा चलो मशीन लगा लेती हूँ, कपड़े भी धुल जाएंगे। और वैसे भी बच्चों की छुट्टी पड़ गई है, तो आज बच्चों का है छुट्टी का पहला दिन। ये देखो कैसे मुँह लटका के बैठा हुआ है, क्योंकि अभी बच्चों को लग रही है कहीं जाने की कि अब चलो बस, क्योंकि अब छुट्टियाँ पड़ गई हैं तो बच्चों को लग रहा है कि चलो अब कहीं भी घूमने चलो, नानी के चलो या कहीं भी जाओ। लेकिन अभी इतनी गर्मी देख के मेरा मन नहीं कर रहा कहीं भी जाने का, कि मैं इतनी गर्मी में कहीं जाऊँ। बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा होता है ना, कहीं भी जाओ तो सुकून नहीं होता। सुकून क्या होता है, अपने घर में ही मिलता है बस। तो अभी देखते हैं कहीं जाने का अगर प्लान बनता है तो जाएंगे, सोचेंगे जाने के बारे में। और ये देखो मुँह लटका के बैठा हुआ है, दिखाती हूँ कितनी तेज़ धूप हो रही है। चलो चलते हैं। तो यहाँ किचन तो मेरी सब साफ़ हो गई है। एक तो मेरा हाथ में इतना दर्द रहने लगा, मुझसे फ़ोन नहीं पकड़ा जाता। ये पूरी किचन मैंने वगैरह सब साफ कर ली। अभी खाना बनाना रह गया है, तो खाने में सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। ये तो रोज की सरदर्दी है खाने की, क्या बनाना है। तो किचन तो बस एकदम बिल्कुल क्लीन हो गया, मुझे सारी बोतलें खाली पड़ी, सारी बोतलें भर के रखूँगी। तो अभी देखती हूँ खाने का। वैसे मैं सोच रही हूँ हल्का फुल्का कुछ बना लूँ। मम्मी भी बोल रही थी खिचड़ी के लिए, मूंग दाल की जो खिचड़ी होती है, मतलब बाहर आती तो आँख भी नहीं खुलती। ये देखो अब जाके मेरी बालकनी में से धूप गई है, और अभी भी इतनी तेज़ धूप पड़ रही है। तो यहाँ मैंने मशीन लगा ली है, बहुत सारे ढेर तक लगा हो रहा था, लेकिन लगानी पड़ी, मन तो नहीं कर रहा था धूप को देख के। धूप देखो कितनी धूप है, आँखें खुलने को भी तैयार नहीं है। ऐसे कर धूप ही पड़ा तब आँखें खुलेंगी, तो मेरी आँखें खुलेंगी। अरे धूप में कहीं जाने का नहीं करेगा, नहीं करेगा। इधर मेरी मशीन लगी हुई, अभी खाना वाना बना लेती हूँ बस। ये देखिए धुल गए सारे कपड़े, अब धूप में बैठ के निकालूंगी। यहाँ वैसे चलो सही है, बालकनी में से धूप चले गई है, बालकनी में धूप नहीं है, बस थोड़ा धूप का चौंधा सा पड़ा है पर। तो चलो मिलते हैं अभी बाद में, पहले किचन की कर लेती हूँ। अभी किचन तो मतलब हो चुकी है, अभी खाना बना लेती हूँ जल्दी फटाफट। अंदर आके कितना सुकून मिलता है, और इसे इतनी सी देर में पसीनों से हालत ख़राब। और पीछे देखो मम्मी पड़े, thank you.
अभी हो गया था नेक्स्ट डे, तो अरहाब और अम्मी पढ़ लेते हैं नमाज जहर की, और यहाँ मैं बना रही थी खाना, तो सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, यहाँ मैं बना रही थी रोटियाँ। तो बस इस तरीके से हमारा दिन पूरा दिन बीता कल का। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में, तब तक अपना अपने घर वालों का ध्यान रखिए और हमें भी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और यहाँ अरहाब दे रहा है हमें मोमोज़ पार्टी, तो आ जाइए आप सब भी अरहाब की मोमोज़ पार्टी में।